सर, आज एक मुठभेड़ हुई है। किस तरह का इनामी था और कैसे ये मुठभेड़ थी आज? ये दो इनामी बदमाश थे, एक का नाम धीरज था, दूसरा का नाम हिमांशु उर्फ नरसी उर्फ टाइगर था। ये दोनों जो अभी रिसेंटली 27 अप्रैल को घटना हुई, जिसमें एक नवविवाहित दुल्हन की हत्या कर दी गई थी और उससे लूटपाट की गई थी, उसमें ये दोनों वांछित थे। दोनों को 25-25 हज़ार रुपये का इनाम था। 50 हज़ार रुपये इनाम की संस्तुति के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा गया था। सूचना हमारे पास पुख्ता सूचना थी कि आज ये फिर मेरठ करनाल हाईवे पर फिर कोई बड़ी घटना को कारित करेंगे, तो सूचना को सही पाते हुए मैं स्वयं अपनी एसटीएफ की टीम को लेकर वहाँ गया था। और वहाँ पर एक अबैंडन हाउस में ये लोग थे, इन पर जब हमने रेड की तो इन्होंने हमारे ऊपर ऑटोमेटिक 40 हथियारों से हमें फायर किए और काफ़ी देर तक इसमें भीड़ चलती रही और ये दोनों बदमाश मिलकर मारे थे। इनके पास से एक 9mm ऑटोमेटिक कार्बाइन रिकवर हुई, 2 9mm पिस्टल से, एक तमंचा रिकवर हुआ 315 गोल का और काफ़ी भारी मात्रा में 9mm के जिंदा कारतूस और 315 के जिंदा कारतूस। इन्होंने पहले कौन कौन सी घटना की है? जैसे दोराला में एक घटना हुई थी, दुल्हन को मार दी, इसके अलावा कोई और घटना की है? रिसेंटली इन्होंने एक वर्मा कार भी लूटी थी, वो भी बरामद की थी, एसटीएफ ने उसमें कार्रवाई की थी। और कुल मिलाकर जो हिमांशु उर्फ नरसी क्रिमिनल है उसके ऊपर तकरीबन 14 या 15 मुकदमे हैं और धीरज के ऊपर तकरीबन 10 मुकदमे हैं हत्या एवं लूट।